बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल होगा, सलमान खान को मिली धमकी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के करीबी का आया मैसेज। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर धमकी मिली है। इस बार ट्रैफिक कंट्रोल को भेजे गए मैसेज में धमकी लिखी मिली। मैसेज करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी बताया है। सूत्रों ने बताया कि मुंबई के ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर एक धमकी भरा मैसेज मिला है, जिसमें अभिनेता सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई के साथ लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी को खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। यह मैसेज करने वाले ने दावा किया है कि वो सलमान और लॉरेंस गैंग में सुलह करवा देगा, जिसके लिए उसने पैसे मांगे और चेतावनी देता है कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। जांच में जुटी पुलिस ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर जो मैसेज आया था उसमें मैसेज करने वाले ने दावा किया कि इसे हल्के में ना लें, अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं और लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें 5 करोड़ रुपए देने होंगे, अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। इस मामले को मुंबई पुलिस ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मिली धमकी। सलमान खान को यह धमकी ऐसे समय में मिली है जब पिछले दिनों दशहरा के दिन उनके करीबी दोस्त और एनसीपी के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। वहीं अब सलमान खान को मिली इस धमकी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सलमान खान को दी गई वाई प्लस सिक्योरिटी। आपको बता दें कि हाल ही में सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई गई है, उन्हें अब वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई है। इसके बाद उनकी सुरक्षा में करीब 25 सुरक्षाकर्मी लगे रहेंगे। इनमें करीब 2 से 4 एनएसजी कमांडो और पुलिस सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा उनके साथ 2 से 3 गाड़ियां रहेंगी, जिसमें बुलेट प्रूफ गाड़ी भी शामिल होगी।